हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे कि वो कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि डेली टाइम फ्रेम पे एक काफ़ी बियरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट काफ़ी बियरिश दिख रहा है, और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलें तो हमने जो लेवल दिए थे उन लेवलों पे मार्केट कितना अच्छा वर्क किया। आप लोग देख सकते हैं कि हमने कल बात की थी कि मार्केट के लिए 42,900 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, और 3,200 ये दो लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और मैंने कहा था मार्केट अगर डाउनसाइड इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक शार्प मूव देखने को मिलेगा, और अगर अपसाइड इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अप मूव दिखेगा। और अगर आपने इस ब्रेक डाउन पर ट्रेड लिया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और कल बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो एक हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, इसे हम थोड़ा और नीचे कर देते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले गया। तो बैंक निफ्टी के लिए अब 42,300 से 42,900 के बीच एक इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। मार्केट 42,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड पहला टारगेट 43,200 और दूसरा टारगेट 43,500 तक के देखने को मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी डाउनसाइड 42,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोगों को पहला टारगेट सीधे यहाँ तक का मिलेगा, जो कि 41,600 का है। तो आपको इन लेवलों पर नज़र रखनी है, और बैंक निफ्टी के लिए ये दो रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट दो दिन काफ़ी ट्रेंडिंग रहा तो हो सकता है मार्केट इस रेंज में कल कंसोलिडेट करे। तो चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में भी हमने जैसे बात की थी कि अपसाइड 18,120 का लेवल और डाउनसाइड 18,000, ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और हमने कहा था अगर मार्केट 18,000 को ब्रेक करता है तो एक शार्प मूव देखने को मिलेगा, और मार्केट यहाँ से काफ़ी फॉल किया। अब फिलहाल ये 18,000 पे आया है रिटेस्ट करने। तो इसमें अब नेक्स्ट क्या हो सकता है दोस्तों? तो निफ्टी के लिए अब 18,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट था। तो निफ्टी को इस लेवल से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट 18,100 तक देखने को मिलेंगे, और अगर ये यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिलती हैं या फिर बियरिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल दिखती हैं तो डाउनसाइड आप लोग पहला टारगेट 17,900 तक का ले सकते हैं। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप लोग 17,800 तक के टारगेट डाउनसाइड में ले सकते हैं। तो निफ्टी के लिए 18,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला इंट्राडे स्टॉक है हमारा टाटा पावर। अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर हम फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जहाँ से प्राइस बार बार जाके गिर रहा है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है कल, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आके इसे लॉन्ग वीक रिजेक्शन या फिर बुलिश इंगल्फिंग टाइप की कैंडल दिखती है तो आप यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप और कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं तो आप इस नेक लाइन के ब्रेक होने पर ट्रेड ले सकते हैं। और आपका पहला टारगेट रहेगा 202, और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो आपका दूसरा टारगेट 199 हो सकता है। चलिए हम अगले इंट्राडे स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगला इंट्राडे स्टॉक है हीरो मोटर कॉर्प। अगर इसे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में था और इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। पर अगर हम फिबोनाची लगा के देखें, टॉप से बॉटम तक अगर हम फिबोनाची लगा के देखें तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 60% लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो इसमें रिवर्सल आ सकता है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए कल इस लेवल पे प्राइस आएगा और आपको इस टाइप की लॉन्ग वीक रिजेक्शन या फिर बियरिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल दिखेंगी तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और आप लोगों का पहला टारगेट होगा 2737, और अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो आप लोग 2702 तक के टारगेट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। अगर हम ग्रासिम को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है, और इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी है। देखें तो यहाँ पे ये एक अच्छा सपोर्ट हुआ था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को बियरिश कैंडल दिखती हैं, लॉन्ग वीक रिजेक्शन दिखते हैं तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट करके इस ट्रेंड लाइन का बॉटम टारगेट रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। तो अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। अगर इसे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी कितने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। कई दिनों से ये इसी लेवल पे चल रहा है, और आज क्या हुआ, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल, एक काफ़ी बड़ी बियरिश कैंडल बनी है जो कि इन तीन कैंडलों को कवर कर रही है। तो अगर हम फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे चलें तो अगर आपको ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो, और मैं प्राइस बता देता हूँ, अगर कल 802 के नीचे प्राइस आता है, 802 के नीचे प्राइस आता है तो आप लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और आप लोग 1% अपना टारगेट बना सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक है विप्रो। अगर हम विप्रो की बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसे देखते हैं और फिबोनाची लगाते हैं थोड़ा सा, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस में काफ़ी फॉल आया और अपने 60% लेवल पे रिजेक्शन मिला, एक हैमर कैंडल बनी।
तो ये लेवल समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर हम प्राइस थोड़ा और दूर करके देखें तो देख सकते हैं ये लेवल कितना अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो बाइंग के लिए आपको ये ट्रेड अच्छा हो सकता है अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है, 387 का लेवल ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट 391 को बना सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है इस लेवल को, यानी 383 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप लोग डाउन साइड पहला टारगेट 381 बना सकते हैं और दूसरा टारगेट 380 के आसपास बना सकते हैं दोस्तों। तो ये मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।